प्यारे दोस्तों, आज यह वीडियो प्राथमिक कक्षा के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा, विद्युत द्विध्रुव। इसके पहले हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप कोई भी टॉपिक देखिए, कंटिन्यू देखिए, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। अब चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। निकाय समझते हैं ना, बायोलॉजी वाले तो समझते होंगे। ये मेरी बॉडी भी एक सिस्टम है, क्योंकि यह तमाम चीज़ों से मिलकर के तब एक बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। कंप्यूटर भी एक क्या है, सिस्टम है। कंप्यूटर देखते हैं ना, अब उसमें क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है भैया, सबसे बड़ा चीज़ सीपीयू होता है, और साथ ही साथ हमारा एक क्या होता है, माउस होता है। अब कहेंगे सर जी लैपटॉप आ गया, इसमें सब कहाँ होता है, होता है, बस इंटरनल होता है उस चीज़ में, ठीक है ना। जगह कम होता है और उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये तब जा कर के कंप्यूटर बनता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, इन सब चीज़ों से मिल करके तब जा करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। उसी प्रकार से डाइपोल भी एक हमारा क्या है, सिस्टम है। और कोई सिस्टम डाइपोल कब होगा, आइए इस चीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय हमारा क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, बंद पढ़े होंगे। बंद, बंद का मतलब बांधना, जिसमें से आप लोग सोडियम और क्लोरीन को बांधे होंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन को बांधे होंगे। तो वहाँ क्या था, जैसे मान लेते हैं HCl और NaCl है। अब यहाँ से HCl में एक क्या होता है, H प्लस, और एक Cl माइनस। जितने प्लस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ से क्या है भैया, कि जब दो बराबर, जैसे मान लेते हैं एक क्यू हो गया, ए भी क्यू हो गया, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिणाम बराबर है, लेकिन इनका चिन्ह क्या है, अपोजिट है, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ये पर लिया गया है और ये मान लेते हैं पॉइंट बी, अदरवाइज आप चाहे जो मानना चाहे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि अब क्या है कि हमने क्या कहा कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अपोजिट चार्ज है ना। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। ये कंडीशंस है, दो कंडीशंस है कि अगर यहाँ Q1 होगा तो यहाँ भी Q1 होगा, यहाँ Q12 रहेगा तो यहाँ, मतलब जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, तब समान होगा ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अल्प दूरी को हमारे दादा और परदादा जी 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं, 2L से। अब ये मत समझना कि यार 2L ही क्यों लिया गया, 2L क्या अल्प दूरी है, ये चीज़ मान लिया गया, इसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना जानिएगा कि 2L जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, बहुत ही न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है ना, जिसे हम 2L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2L क्यों होता है, आगे ये भी समझ में आएगा कि L क्यों नहीं माना गया, हम बताएंगे। अच्छा ये बताइएगा, अगर एक धन दो कह दिया जाए तो तीन हो जाएगा आसानी से, लेकिन अगर एक बटा दो और तीन बटा दो जोड़ने, तीन बटा चार कह दिया जाए तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, अटपटा लगेगा ना। तो आगे हम बताएंगे कि 2L का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। अभी बस इतना समझिएगा कि 2L है। तो एक बार आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय द्विध्रुव कहलाता है।
मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू आ प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है भैया 2L है। हमने मान लिया इनके बीच की दूरी कितना है भैया 2L है। इतना समझ में आ गया ना। अगला आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए बोर्ड में आता रहता है, ठीक है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। बड़ा आसान सा परिभाषा है, फिजिक्स कभी रट्टा ना मारना, ठीक है ना, समझ समझ करके उसकी डिफिनीशन आप स्वयं बनाइए, ठीक है ना, बस फिगर समझ में आ जाए वही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम, ठीक है ना, परिमाण। अब मान लेते हैं क्यों है भाई, चिन्ह को छोड़ दीजिए, परिमाण ही बनेगा। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्यू एल, मतलब न्यूमेरिकल में आप 2L एक साथ लिखेंगे, ना कि 2 को अलग, Q को अलग, L को अलग, नहीं, 2L साथ ही साथ रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये चीज हो गया। अब नोट, पहला चीज इसकी जो राशि है वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। अगर राशि होगी तो दिशा भी होगा, और इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, माने माइनस से दूर प्लस की ओर। तो याद रखे रहिएगा, ये होता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा भैया, दूसरा चीज़ क्या है, इसका मात्रक भी होगा। दूसरा चीज़ मात्रक, तो मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो आप कह सकते हैं इसका जो मात्रक होगा कूलाम गुणे मीटर होगा। ये तो मान लेते हैं SI में हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसके MKSA में करें तो MKS में करेंगे तभी बीमा बनेगा। MKSA में कूलाम, Q बराबर क्या होता है IT, I का मतलब होता है एम्पियर, T का मतलब क्या होता है भैया समय, समय का मतलब सेकंड, और मीटर तो रहने दीजिए। इस प्रकार से इसको अगर सही ढंग से लिखें तो मीटर, सेकंड और क्या होगा एम्पियर। तो इस प्रकार से इसकी बीमा बना सकते हैं। बीमा सबको पता है MLTA करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर आया है तो मीटर का मतलब क्या हो जाएगा L और T ये, तो लता, याद रखे रहना, लता एक लड़की का नाम है और वही लड़की का नाम क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और सुनिए, विद्युत द्विध्रुव के जो थोड़ा सा अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो HCl होगा, HBr होगा, और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, ETC इसको कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से भैया लोग हमने आपको बताया विद्युत द्विध्रुव, और बड़ा आसान सा डिफिनेशन, ठीक है ना, कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसा ही निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है ना, तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है पी इक्वल क्यू इंटू 2L। अच्छा नहीं लग रहा है तो पी बराबर 2QL हो गया। राश सदिश है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, मात्रक कूलाम गुणे मीटर होता है, MKSA में होता है एम्पियर गुणे सेकंड गुणे मीटर, जिसे हम लोग अच्छे ढंग से मीटर सेकंड एम्पियर लिख सकते हैं। इसकी बीमा इतनी होती है। हाँ, अगर कोई कह दे MKS में लिखो, MKS मतलब MLTA में लिखो, तो आप मास तो नहीं है ना, तो M0 लिख सकते हैं, मतलब M0LTA। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी यार यम कैसे लिखवाएंगे, सर जी यहाँ तो यम है ये नहीं है, लेकिन लिख सकते हो ना, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और आप बेवकूफ़ बन भी जाएंगे। नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनना आपको,
आप ये चीज़ लिख करके इसकी क्वालिटी दिखा सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल्स लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा एस सी एल अणु में एच प्लस हुआ सी एल माइनस, एस सी एल अणु में एच प्लस हुआ सी एल माइनस आयनों के बीच की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है, 0.2 एंगस्ट्रॉम है। एस सी एल अणु के द्विध्रुव की गणना कीजिए, एस सी एल के द्विध्रुव आघूर्ण की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो ये सी एल हमारे पास है, तो एस सी एल को ब्रेक करेंगे तो एच प्लस होगा और सी एल माइनस होगा, यही है आपके पास। एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है, यही चीज़ तो बनेगा आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा P बराबर क्या होता है फार्मूला, Q इंटू टू एल दिया है आवेश, जितने प्लस उतने माइनस, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम। तो Q बराबर यहाँ हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ और बीच की दूरी 2L कितना दे दिया गया आपको, 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जब हटेगा तो कितना आएगा आपके पास, ठीक है ना, 10⁻¹⁰ मीटर आएगा। ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा बंदूक हो गया और इतना हमारा गोली हो गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आइए यहाँ से हो जाएगा P इक्वल, Q का मान हमारे पास है 1.6 × 10⁻¹⁹ और जो हमारे पास 2L है वो है 0.2 और 10⁻¹⁰। इसको थोड़ा सा बाबू का सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। पी इक्वल हो जाएगा 16 × 32 कहेंगे बाद 10.11 कितना हो गया, 2 1 1 2 तो 0.32 हो जाएगा और 10⁻¹⁹ और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 29 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मानक रूप में अगर लिख देंगे, मतलब पी इक्वल यहाँ कर देंगे 3.2 और 1 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा और अब इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा क्या, ठीक है ना, गुलाम गुड़े मीटर। तो नोट कर लीजिएगा 3.2 × 10⁻¹⁰ गुलाम मीटर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ आपको, ठीक है ना, बताया और एक न्यूमेरिकल भी लगवा दिया। जो हमारा बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा कमरे में गर्मी, अगर फैन लगाएंगे तो शायद साउंड में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको ना प्रॉब्लम हो, हमको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या करिए, शेयर कर दिया कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अब जो हमारा अगला होगा वो विद्युत द्विध्रुव के बारे में ही होगा और वहाँ आपको दो कंडीशन पढ़ाएंगे, एक अच्छी पढ़ाएंगे और एक निरक्षीय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।